Ladies and gentlemen, we welcome you to the Hum TV 21st Lux Style Awards 2022. Entertainment ki duniya ki sabse exciting raat. We start as always with our national anthem and a salute to our Pakistani flag. Let's please welcome Wahab Bukti, hamare folk musicians, jinhone is saal apne gaane Kanna Yari se Balochi Mausiki ko global satah par ek phenomena banakar pesh kiya aur Pakistan ka naam roshan kiya. And despite losing his home and his studio in the floods, he is here with us tonight with his unyielding spirit. And accompanying him is Shahzad Roy, musician, humanitarian, and Sitara Imtiaz recipient for education reforms. He has also worked extensively for child protection and flood relief. Two proud and resilient sons of the soil right before you, ladies and gentlemen. Let's all rise for the national anthem of Pakistan. पाक सर जमीन शाद बार कीश्वरे हसीन शाद बार तू निशाने अजमे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान मरकजे यकीन शाद बार पाक सर जमीन का निजाम शादबाद मंजले मुराद परचमे सितारा Nazreen, hame pata hai, you're eagerly awaiting the start of the main show, and we assure you that our host is on his way to open up the event. Lekin Mausoof bahut masroof rehte hain. After all, he's a superstar. Hamari camera team unpe nazar rakhe hue hai. So, let's take you all to him on this incredible journey to LSA 2022. चाहे जिंदगी हो या फिल्में दोनों के हाईवे पर दो पहियों की सवारी का हीरो हूं बट टुडे स्पेशल मेरी कहानी का सफर शुरू हुआ मेरे अब्बू से और उनका सफर शुरू हुआ इसी इंडस्ट्री से फिल्मों में नामालूम अफराद के साथ आए और आज सबको मालूम है कि मैं कौन हूं दो दिहाइयों से हमारे आर्ट को किसी ने सराहा तो वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स थे पाकिस्तानी अवार्ड्स पाकिस्तानी फनकारों और आवाम के लिए और फिर लक्स के बिलबोर्ड्स पे हैविश के साथ भी आया शारे फैसल पे ट्रैफिक जैम भी करवाया मेरा असल पैशन है सिनेमा बड़ा जहां दिलो जान से पूरे मान से इस सच में कसम से ईमान से अपनी एक्टिंग से किया एंटरटेन बस एक ही उसूल कि आपका पैसा वसूल कैसे हो दोस्त मेरे पास आपके जैसे दो हैं तो चलें लेट्स डू दिस
मैं हूं फहद मुस्तफा एंड दिस इज द थर्ड एगर ऑफ पाकिस्तान मोस्ट लव्ड अवार्ड्स 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तानी मूवीज एंटरटेनमेंट म्यूजिक एंड स्टाइल और उनके साथ जाने वाले अवार्ड्स. इस साल के अवार्ड्स बहुत यंग है, मेरे जैसे मिलेनियल्स की तरह. मैं मिलेनियल नहीं लगता आप लोगों को, नेवर माइंड. इसीलिए मैंने आज यंग जनरेशन को भी मौका दिया है साथ में. हमारी जेन जी, वो भी इस शो का बहुत ही अहम हिस्सा है. सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द यंग एंड इनक्रेडिबली टैलेंटेड दाना नीर मोबी. हेलो. हेलो. Thank you for calling me on stage. I'm very nervous to be sharing stage with Fahad Mustafa. It's okay. Dana, main bahut cooperative hoon. Ghabrane ki koi baat nahi hai. Aaj ka show to bahut hi kamal ka hone wala hai. Trust me. This is going to be one unforgettable evening. Kyunki aapke favorite stars ke bhi favorite stars yahan pe hain. So, if you are watching LSA on your TV or on any screen, do not move, do not switch and definitely do not swipe. Absolutely. Ab main stage par daawat dunga general manager of Unilever Pakistan Limited Mr. Amir Paracha sahab ko, jinke baghair aaj ki ye shaam munakkid nahi ho sakti thi. A big round of applause for Amir Paracha, ladies and gentlemen. Thank you everyone. आज के 21वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स के इस पुरमसरत मौके पे मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ. 21 साल पुराना LSA का ये सफ़र आज ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये सफ़र हमें किसी ख्वाब से कम नहीं लगता, जिसने आज हकीकत की एक सूरत अख्तियार कर ली है. शायद आपको ये सुनकर हैरत होगी, क्योंकि इससे पहले कभी ये जिक्र छेड़ा भी नहीं गया. लेकिन यकीनन आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा, जो कि पहली बार यूनिलीवर की मैनेजमेंट ने और इस अवार्ड शो का ख्वाब देखने वाले ब्रांड मैनेजर से किया था. आखिर एक साबुन और शैम्पू बनाने वाली कंपनी का स्टाइल अवार्ड से क्या ताल्लुक है? हमारा काम प्रोडक्शन करना है, 30 सेकंड का इश्तहार चलवाना है, ना कि अवार्ड शो का कोई इनेकाद करना है. पाकिस्तान में एक मायानास अवार्ड शो की तमन्ना करने वालों से ऐसे कई सख्त सवालात किए गए. अगर मैं आपकी ज़बान में बयान करूं तो ये सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर था, और असल मुश्किलात का सामना हमें यूनिलीवर की दुनिया से बाहर करना पड़ा. कभी मुल्क के मसाइल हमारे सामने आ गए, कभी प्रोग्राम के वक्त मुश्किलात सामने आ गईं, कभी कोविड, कभी हमारी अपनी नादानियाँ और कभी तनकीद. तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम किसी मशहूर टीवी शो के ऊपर या अवार्ड शो के ऊपर अपना इश्तहार चला देते और इस पर अपना लोगो लगा लेते और किस्सा ख़त्म हो जाता. लेकिन अपने असल मकसद को छोड़कर आसानी का इंतखाब करना और मुश्किलात के डर से अपने ख्वाबों को तर्क कर देना कहाँ की अक्लमंदी है. यही सोच रखने वाले इन दूरअंदेश ब्रांड मैनेजर्स की बदौलत रास्ते में हायल दीवारें गिरती चली गईं और तनकीद हमारे लिए सीखने का सबब बनी. और बिलाखिर आज पाकिस्तान में भी बैनुल अक्वामी सतह पर होने वाले अवार्ड शो के मुकाबले की शोज़ की मिसाल लक्स स्टाइल अवार्ड्स की सूरत में कायम यूनिलीवर ने किया. सोप ऑफ द स्टार्स जब भी लक्स के इश्तहारात देखे जाते हैं तो आम से आम इंसान भी अपने आप को दिलकश और हसीन सितारों से खुद को गिरा तसव्वुर करता है, और यही हसीन एहसास लक्स ने LSA की सूरत में आप सबको दिया. आज LSA अपनी तीसरी दिहाई में दाखिल होने को जा रहा है, जिसके साथ पाकिस्तान का सबसे तवील अरसे चलने वाला ये आज स्टाइल अवार्ड्स बन चुका है. अब LSA पर सवाल नहीं होता बल्कि इसका इंतज़ार होता है. लेकिन एक बात का मैं ज़रूर जिक्र करता चलूँ, जब LSA पहली बार टीवी स्क्रीन पर नशर हुआ तब की दुनिया और थी. तब शायद पाकिस्तान में कुछ ही अवार्ड शोज हुआ करते थे. इस वक्त LSA जैसे प्लेटफॉर्म को नाजरीन तक लाने का मकसद वाज़े था. एक तरफ हमारे तमाम सितारों की पज़ीराई और दूसरी तरफ उनके फैंस को अपने पसंदीदा फनकारों के काम को सराहने और अपनी मोहब्बत के इजहार का मौका मिले. लेकिन आज की दुनिया और है. अब किसी को अपने शोहरत का अंदाज़ा और अपने फैंस की मोहब्बत हासिल करने
के लिए एक पूरा साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने फैंस को इंटरटेन करने के लिए उन्हें सिर्फ टीवी का सहारा चाहिए। आज की दुनिया में बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं और स्टार्स को फैंस की मोहब्बत का अंदाज़ा अपने हाथ में मौजूद फोन्स पर हर लम्हे आने वाले लाइक्स, व्यूज़ और फॉलोअर्स के ज़रिए हो जाता है। लेकिन आज अपने आँखों के सामने आप सबकी मौजूदगी, लातादाद अवार्ड सबमिशन और फैंस की वोटिंग देखकर ये जवाब मिलता है कि इन सब तब्दीलियों के बावजूद सैकड़ों के मजमे में अपना नाम पुकारे जाने, स्टेज पर आकर अपने चाहने वालों की मोहब्बत और अपने काम की दाद हासिल करने का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। ये वो स्टेज है जहां लोगों को खुदा का फजल और माँ बाप की दुआएं भी याद आ जाती हैं। ये वो लम्हा है जब तालियों की गूंज और रोशनियों की चमक में वाकई आर्टिस्ट को स्टार होने का एहसास दिलाती है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के मिसाली अदाकार, गुलूकार, फैशन डिज़ाइनर्स, मॉडल्स और कैमरे के पीछे अपना हुनर दिखाने वाले बेशुमार टेक्नीशियंस को जितनी पज़ेराई दी जाए कम है। आप हर साल अवाम को मुश्किलात के बावजूद बड़ी हिम्मत के साथ गम में सहारा, मुश्किल में हौसला, मायूसी में उम्मीद और खुशी में हज़ारों मुस्कुराहटों का तोहफा देते हैं। मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँगा कि लक्स और पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सफ़र इसी जज्बे के साथ हमेशा जारी रहेगा और आज का शो आपको बहुत पसंद आएगा। आपकी मोहब्बत ही LSA की कामयाबी के असल मीरास है। शुक्रिया एंड आई होप यू एंजॉय द शो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ओके सो दाना, क्योंकि LSA अब बहुत ही यंग होता जा रहा है जैसा कि आप जानती हैं, तो मैं भी चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप अप अ लिटिल, यू नो, तो मैं थोड़ा सा अपना ये जेन जी का जो एक वाइब है उसको थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ। कुछ सिखाओ ना मुझे, आई वांट टू नो। ओके, दिस इज नॉट गोना बी इजी। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। या सो अगर मैंने आपकी तारीफ करनी है ना, तो आई एम गोना से फाद भाई, यू आर द गोट। मतलब तुम सीनियर्स की ये रिस्पेक्ट कर रही हो सबके सामने, तुम मुझे बकरा बुला रही हो, इज दैट व्हाट यू डूइंग? लिसन, so when I say you're the goat, it means greatest of all times. ताली होनी चाहिए, ये तो सच बात कह रही है लड़की यार। greatest of all times, yeah. very nice. But you know what he's doing right now? what? you know what you're doing right now? what? you're flexing. am I? yes, you're flexing. listen, you should be low key, you know. you have to be woke. you have to be cool. you have to be bougie, but you can't be extra. okay, fam. Fan? I see what you're saying. Stop being extra. Vibe check mein tum pass ho gayi ho. I get it. Iska yahi matlab hai na ki aapki next film mein mera role pakka? Haan, hero ki behen, heroine ki choti behen. Kaafi versatile ho tum. Kahin bhi tumhe adjust kar lenge hum. Nahi, I meant heroine ka role. उसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा। हमारा जो अगला अवार्ड है, अगर तुम वो जीत गई, which I don't see happening anytime soon, शायद फिर ऐसा कुछ हो जाए, तो चलते हैं अपने अवार्ड की तरफ। Let's announce the TV award that every young star hopes for, Best Emerging Talent Television Critics Choice. And let's call our first presenters. हमारे पहले प्रेजेंटर पाकिस्तानी ड्रामों में अपनी सेंसिटिव एक्टिंग से मर्दों के मुख्तलिफ पहलू दिखाते हैं। एंड आवर सेकंड प्रेजेंटर शोज के You can't mess with a strong woman. Ladies and gentlemen, please welcome Ahmed Ali Akbar and Kinza Hashmi. Parisad is in the house. You guys look amazing. Thank you. So, the nominees for Best Emerging Talent are... Best Emerging Talent TV, Critics' Choice. Ayman Saleem. चुपके चुपके हदीका कियानी रकीब से हसन शहरियार यासीन पहली सी मोहब्बत तलहा चाहूर जो बिछड़ गए मोमिन साकिब रक्से बिस्मिल And the winner is Hadika Kiani. Bajaj, you look so nice today. Tuxedo dikhane ka isse behtar tarika aur koi nahi ho sakta.
मैं क्या, तुम अपना तो नहीं मिलेगा तो कंग्रेचुलेशन अधिका। हम बढ़ते हैं अपने अगले कैटेगरी की तरफ। जेन सी को सिर्फ म्यूजिशियंस नहीं, एक आर्टिस्ट में रोल मॉडल भी चाहिए। Really? जो यंग लोगों को इंस्पायर कर सके और उनके इश्यूज पे बात करे, जो उनकी डेली लाइफ में उनको इफेक्ट करते हो, और ऐसे आर्टिस्ट्स ही आइकॉन्स बनते हैं। To honor this relationship, LSA has introduced the Music Youth Icon of the Year Award, Critics' Choice, for the first time this year. Can you please announce the nominees? The nominees? Music Youth Icon of the Year, Critics' Choice. Khwaja Danish Saleem, Manu, Natasha Beg, and the winner is Khwaja Danish Saleem for Irade. I'm just very overwhelmed. I would like to thank my family, क्योंकि ये सब possible ही नहीं होता अगर हम school और college के अलावा music पे थोड़ा सा ध्यान दे पाते। तो cheers to this. Thank you everybody. Thank you. क्या बात है, lovely. Let's welcome on stage the ever so glamorous Mansha Pasha and the multi-talented Usman Khalid Bhai. Hey Mansha. Hey Obi, what's up? Looks like we're twinning today. Yeah, you're the Fizza to my Shizza. As always. Lekin maine ek baat suni thi voice over mein. They said the oh so glamorous Mansha Pasha and the multi-talented Usman Khalid Butt. Iska ye matlab hai ki tum glamorous nahi ho? I think koi galti hui hai. It should actually have been Mansha Pasha and the multi-talented and glamorous Usman Khalid Butt. The very full of himself, Usman Khalid Butt. Bas Mansha, time to face the music. Sorry, main mazak kar rahi thi Obi. Mera matlab hai hamara agla segment, the Music Awards. वो सिंगर्स जो दुनिया के सामने अपने टैलेंट को दिखाने से डरते नहीं। LSA ने इस साल भी एक नया अवार्ड पेश किया है उनके लिए, who really know how to rock a concert. So let's invite on stage one of our very own best live acts in town, and with him the very beautiful, the very energetic and Pakistan sweetheart. And there we have it, Junaid Khan and Jugan Kazim. Please welcome them on stage. Woo! Assalamu alaikum everyone. We are here to announce the Viewers' Choice Best Performance of the Year live nominations. And the nominations are... Best Live Performance of the Year, Viewers' Choice. Ali Tariq, Cedar College. Ali Tariq, The Carnival of Spirits. Natasha Beg, Lahuti Melo 2021. Taha Ji, Man Metu. Taha Ji, Pyar Da Meter. Ji, and the winner is Natasha Beg for Lahuti Melo 2021. I was seriously not expecting this, and I almost did not come to the awards because I was in Faisalabad, and मैं वहाँ से किस तरह भाग के लाहौर आई हूँ public toilet में तैयार होकर. So I just want to say thank you everyone, thank you Lux. I want to say thank you to my management Hasan Ali Afandi, thank you for believing in my dreams, thank you everyone. Mansha, एक बात है, पुरानी फिल्मी गाने ना वुड नेवर गेट टू द पॉइंट। फिल्मों में डायलॉग्स तो इम्पोर्टेंट होते हैं, मगर हमारी फिल्मों में गानों के बगैर ना चस नहीं आती। जैसे जिंदगी में रोमांस के बगैर ना मजा नहीं आता। ये फिल्मी गाने हमारी असली जिंदगी के साथ साथ हमारी फीलिंग्स, हमारे जज्बात को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्लीज वेलकम आरिफ हुसैन, द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ हम नेटवर्क लिमिटेड एंड द फैशनेबल मुश कलीम, to please announce the Film Playback Song of the Year Award Viewers' Choice. Hello guys, assalamu alaikum.
So can we have the nominations, please? Film Playback Song of the Year, Viewer's Choice. Mastam, Kahe Dil Jidhar, sung by Kamran Bari, Rana Ubaid, Faiz Ali and Faiz Kawal. Nayi Soch, Khel Khel Mein, sung by Shuja Heather, Jabir Abbas, Nida Hussain, Babiha Hashmi, Maria, Bana, Sheryar and Safir. So the winner for the Film Playback Song of the Year is Nayi Soch, Khel Khel Mein. This is my first Lux Style Awards and this is the first award. Last year I sung for Lux and this year I'm getting the award. Thank you so much. वैसे उस्मान, जिस तरह ब्रेड को बटर, नलनी में निहारी और हलवे को पूरी की जरूरत होती है ना, बस वैसे ही ना। मंशा, कितनी भूख लगी हुई है तुम्हें? बहुत, बहुत लगी है। ठीक वैसे ही, a good singer needs an excellent music producer. ये पर्दे के पीछे वो लोग हैं जो वो म्यूजिक बनाते हैं जो हम अपने घरों में गाड़ियों में गुनगुनाते हैं। Let's call our presenters for the music producer of the year. Please welcome on stage Natasha Baik and Roop from Josh. Sat Sri Akaal and Assalamu Alaikum everybody. It's a pleasure to be here tonight. Today we are nominating for the best music producer. Music producer of the year. Critics' Choice. Abdullah Siddiqui, Sameer Bey, Sinan Fazwani and Zahid Qureshi, Talal Qureshi. So the winner is Abdullah Siddiqui. Abdullah Siddiqui is not here, so I'll ask Mr. Roop to accept his award on his behalf and say something. Big round of applause for Abdullah Siddiqui, and I am going to get this to him somehow. Khuda hafiz, good night. Ladies and gentlemen, give a warm round of applause to Pakistan's funniest man, the quick, the fiery, the quirky, Tabish Hashmi. भाई एक आवामी आदमी ही एक मकबूल आम शख्सियत को खराज तहसीन पेश कर सकता है. मैं बात कर रहा हूँ अंजुमन की, जिनका मुकाम, जिनका टैलेंट, जिनकी शख्सियत बहुत ऊंची है. आप वो हैं जिन्होंने बार बार लगातार सिर्फ अपने आप से कम्पीट किया. आप वो हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा के और पाकिस्तानी सोसाइटी के तमाम स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए. आपकी फिल्म जब पहली बार मैंने देखी तो मेरे अंदर भी मोहल्ले के बदमाशों से लड़ने की हिम्मत आ गई और मैं फौरन ही निकल पड़ा लड़ने के लिए, मगर बहुत पिटा भाई, बहुत ही पिटा, क्योंकि सिर्फ हिम्मत अंजुमन जैसी थी, ताकत अंजुमन जैसी नहीं थी. ख्वातीन हजरात अंजुमन जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए नज़र डालते हैं उनकी कमाल ज़िंदगी पर और उनके 20 साल फनी खिदमत पर. पाकिस्तानी फिल्मों में हीरो तो बहुत आए, मगर ऐसी हीरोइन सिर्फ एक ही रही, वो पंजाब की जट्टी जिन्होंने अपने 20 साल करियर में 200 से ज्यादा फिल्में फैंस को दी और जिनके हुनर की बदौलत पूरी पंजाब फिल्म इंडस्ट्री अपने उरूज पर आई. एक ऐसे वक्त में जब VCR और DVD का रिवाज चला, अंजुमन और सुल्तान राही की मकबूल जोड़ी ने सरहद पार से आने वाली फिल्मों को अपनी सुपरहिट फिल्मों से टक्कर दी. वो पाकिस्तान की पहली एक्शन हीरोइन थी जिन्होंने बाइक चलाई, घुड़सवारी की, कंडासे से गुंडों को संभाला और बंदूकों से बदमाश सीधे किए. अंजुमन ने अपने एक लार्जर देन लाइफ स्क्रीन प्रेजेंस का फायदा उठाया और एक स्ट्रॉन्ग विल्ड, इंडिपेंडेंट और एक्शन हीरोइन का जो कैरेक्टर था उसको अमर किया. उनके बेबाक किरदार मर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे और उनके रोमांटिक रोल्स दिल पिघला देते थे. 70s, 80s में अंजुमन वॉज द बिगेस्ट सुपरस्टार जो पाकिस्तानी सिनेमा ने देखी है. वो वाहिद सुपरस्टार हैं जिनकी 3 फिल्में एक ही दिन पे रिलीज हुई और ट्रिपल डायमंड जुबली का रिकॉर्ड भी कायम किया.
उनकी नुमाया कारकर्दगी ने उनको 7 बार निगार अवार्ड भी जितवाया। आई कुडंट बिलीव दिस कि ये हो सकता है और मैं उनको ट्रिब्यूट दे सकती हूँ जो कि इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम है। अंजुमन जी ना सिर्फ ये कि एक बेहतरीन अदाकारा थी बल्कि पाकिस्तान की बेहतरीन डांसर भी थी। तो जब बात हो रिकग्नाइज करने की क्वीन ऑफ पंजाबी सिनेमा को, तो हम ये कैसे कर सकते हैं विदाउट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम द मॉडर्न एज क्वीन ऑफ पंजाबी सिनेमा। शोर मचाएंगे सब क्योंकि मैं बुलाने जा रहा हूँ द क्वीन ऑफ द क्लैन ऑफ नट्स, द दारो ऑफ मौला जट, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल हुमैमा मलिक।
खवातीन आजाद देखा आपने कैसी आग लगा दी। आप लोग ये समझ रहे थे अंजुमन जी रिटायर हो चुकी हैं, मगर मैं तब तक नहीं होने दूंगा अंजुमन जी जब तक आप मेरे साथ फिल्म ना कर लें। और मैं फिल्म के नाम भी सोचे हुए तीन, एक तो हो गया कमजोर गुज्जर, एक हो गया मेल न्यूट्रिशन जट, और तीसरा होगा शेरनी दा निक्के जिया शेरा। खवातीन आजाद, लेट्स इनवाइट द GM ऑफ यूनिलीवर पाकिस्तान एंड लेजेंडरी पॉप आइकन, फाउंडर ऑफ जिंदगी ट्रस्ट, ageless Shahzad Roy, to please come up and present Unilever Pakistan Limited Lifetime Achievement Award to the great Anjuman ji. सबसे पहले मैं अपने अल्लाह की जात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे रब ने जो मुझे इज्जत दी, और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूंगी लक्स की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे इस एजाज़ से नवाजा और मुझे ये इज्जत और पेज़ीराई दी। प्लीज वेलकम बैक ऑन स्टेज योर वंडरफुल होस्ट्स फहद मुस्तफा एंड उस्मान खालिद बट। पहली बार फहद सर, इस इंडस्ट्री में आने का मेरा सबसे बड़ा रीजन जो था वो था द पावर एंड मैजिक ऑफ सिनेमा। फिल्म्स आर प्योर मैजिक। मैजिक से याद है तुमने कायदे आजम जिंदाबाद तो देखी होगी, जब मैं फिजा और नबील साथ में काम करते हैं तो सिंपली मैजिक नजर आता है स्क्रीन पे। वैसे फहद, एक बार तो नबील कुरैशी ने बिलाल अब्बास के साथ ही काम कर लिया, ये कैसे हो गया? वो फिल्म देखी तुमने? Exactly. Which reminds me of our next presenters for Film Actor of the Year. क्योंकि हम इस सदाबहार जोड़ी को भूल नहीं सकते. Please welcome on stage Rambo and Sahiba ji. Film Actor of the Year, male, and the nominees are Film Actor of the Year, Viewer's Choice, Bilal Abbas, Khel Khel Mein. फैजान शेख, उधम पटख, जुनेद खान, कहे दिल जिधर। एनी गेसेस? फहद मुस्तफा? नहीं, अच्छा सॉरी, नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं। बिलाल अब्बास, खेल खेल में। अगर आप इजाजत दे तो। अरे बिलाल इज सच अ वंडरफुल एक्टर, सच अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट, उसके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। सी व्हाट जस्ट हैपेंड? जी पर ये आपका नहीं है बिलाल का, रिमेंबर। ओके, अब हम दावत देंगे अपने नेक्स्ट प्रेजेंटर्स को फॉर द कैटेगरी ऑफ फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल व्यूअर्स चॉइस। सानिया सईद एंड सरमद खुजर एवरीवन। Oh my God! Look at you, Sanya. बहुत सारी तालियाँ Sanya सईद के लिए, guys. Sarmad, you look so amazing. अब आप एक और कैरेक्टर तो नहीं प्ले कर रहे? क्या मैं मूछें नहीं रख सकता, सिर्फ हुमायूं रख सकते हैं? अच्छा भाई ठीक है, it's okay. या सिर्फ आवाज रख सकते हैं? जी, so the nominees, guys. The nominees for the best actor, female. Film actress of the year, viewer's choice. मंशा पाशा, कहे दिल जिधर। मरीना सईद, शिनुगए। सज्जल अली, खेल खेल में। इफ आई माइट टेक अ मोमेंट हियर, आई जस्ट लाइक टू से के ये साल अच्छा है, किसी जोची ने नहीं कहा, हमारी फिल्मों ने कहा है। छोटी सी जादू की पुड़ियाँ हैं ये। शी गॉट टू वर्क विद नान अदर देन शेखर कपूर, सज्जल अली फॉर खेल खेल में। आई एम रिसीविंग दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ सज्जल एंड अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट बी हियर टुनाइट। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ हर फॉर ऑल हर अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ ऑल द हार्ड वर्किंग वुमेन that are you know very focused and have a drive to achieving their goal. Congratulations, you truly deserve this, and may you continue to shine like the star you are. Thank you so much.
मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुश्किल वक्त के बावजूद लास्ट ईयर फिल्में बनी। yep. और जब सिनेमा से प्यार हो तो स्टोरी टेलिंग को कोई नहीं रोक सकता। So let's invite our next presenters, the film of the year award. This is the big one, guys. Viewers' choice. हमारे मशहूर ज़माना एक्टर, the one and only. Please welcome. और मैं चाहूँगा उनका खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे, मैडम संगीता, ladies and gentlemen. बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और ख़ास तौर पे मैं मुबारक देती हूँ अपनी दोस्त बेस्ट फ्रेंड अंजुमन को, उसने ये अवार्ड हासिल किया। लक्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू मैम संगीता। लेट्स सी द नॉमिनीज प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। फिल्म ऑफ द ईयर, व्यूअर्स चॉइस, कहे दिल जिधर, प्रोड्यूस्ड बाय कामरान बारी, खेल खेल में प्रोड्यूस्ड बाय फिजा अली मिर्जा, शिनोगई प्रोड्यूस्ड बाय अबू अलीहा। अब क्या करूं? अवार्ड दे। आपको दे दो। जी मेरा ही है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत सही तालियां चाहिए फिजा नबील के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बैक ऑन स्टेज ताबिश हाशमी। तवदीनो हजरात, इट्स बीन 21 इयर्स टू लक्स स्टाइल अवार्ड्स, और ये अवार्ड्स ना सिर्फ मुझे पसंद है बल्कि ये ब्रांड भी बहुत पसंद है। दुनिया की सारी ब्रांड्स होती हैं जो कहती हैं हमें दिन में दो दो बार इस्तेमाल करें, दिन रात इस्तेमाल करें, मगर लक्स वो वाहिद ब्रांड है जो कहती है जरा सा। अगर मैं कभी गलती सी भी ज्यादा लगा लूं तो पीछे से आमिर पराचा की आवाज आ जाती है, कह रहा हूं जरा सा। आमिर भाई, आपको पता कैसे चलता है? अच्छा फर्ज करें मैं ज्यादा लगा लूं, इससे फर्क क्या पड़ेगा? खुशबू आई। हाँ, इमरान अशरफ बैठे। इमरान भाई बैठे बैठे आप सर। नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ इधर। इमरान भाई, मुझे कल पता चला आप पेशावर में पैदा हुए। क्यों? मैं क्यों, मतलब क्यों? मैं समझ। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और पेशावर में पैदा होना एक बहुत अच्छी बात है। मैंने कुछ पेशावर एक बहुत मेहमान नवाज शहर है जी जी, और आप आए ना कभी पेशावर। खुशबू लगाऊं या सादा आ जाऊं? लग ज्यादा लगा लग ज्यादा लगा लो। यार अहमद अली, आप तो असली में भी अमीर लगते हैं। रातों रात आप अमीर हो गए अपने ड्रामे पर ईजाद में, कि आपने वकार जगह के साथ क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था। आपको कैसे पता मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया? नहीं, रातों रात कैसे अमीर हो सकता है आदमी? मैं तो दिन में भी अमीर नहीं हो पा रहा भाई। ये तो नुमान एजाज के कदमों में चले आप तो फिर पचक जाऊंगा कदमों में। चलो वेरी गुड अहमद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे। मीरा जी, आई लव यू मीरा जी। मीरा जी, मैंने आपकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, मुझे लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप पॉलिटिशियन बन सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? कभी खुद सोच अच्छी तरह सोच ले। मैं बैठा सोच लिया। अच्छा चलिए, मैं अगर आपने कभी आपकी पॉलिटिकल पार्टी बन गई लेट्स से, ठीक, तो उसका वो नारे होते ना नारे, वो क्या होगा सोचा है आपने? मैं बनाता हूँ, ताजा बनाता हूँ अभी। ढूंढने निकले थे मोती, मिल गया हीरा, जीएम मीरा, जीएम मीरा। एक बार हो जाए, आवाम से गुजारिश एक बार हो जाए। ढूंढने निकले थे मोती, मिल गया हीरा, जिए। अब आएगा इंकलाब, अब आएगा इंकलाब, आगे बढ़ूंगा। ओहो, इतने बड़े बड़े डिजाइनर मेरी चीटिंग करके बैठे हैं आज। द ग्रेट नोमी अंसारी, प्लीज पकड़िएगा नोमी भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। आप इतने बड़े डिजाइनर, कम से कम ओरिजिनल आइडिया सोच के आते। सॉरी यार, कॉपी हो गया। अच्छा, आपने इतनी सारी खवातीन की वार्डरोब डिजाइन की, सबसे ज्यादा तंग किसने किया? यार इस कैटेगरी की एक ही नॉमिनी है, विनर भी वही है। वाह, बट वो बिजी थी थोड़ी। मोनोपोली है। मोनोपोली कौन है, नाम क्या बता रहे? पिटना है, मैंने नाम लिखे। नहीं नहीं पिट, नहीं नहीं नहीं, आप भाई स्क्रिप्ट का हिस्सा है, बोलो। फौजिया फौजिया नो
नहीं ऐसा मुझे किसी ने तंग नहीं किया सर, तंग नहीं किया और वाने भी आप ज्यादा अच्छे लग रहे हैं उनसे बस वो दोनों वही तो ऑब्वियस था ना। रास्ता छोड़िए अब हम आ गए अहमद अली भट्ट 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 कैसा लग कैसा रहा है मतलब यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आधे जोक्स आपने मेरे से जो कल एसएमएस करवाए थे वो काम कर गए हैं। जब लिख इतना चाह सकते हैं तो करते क्यों? उसका ये होता है कि लक्स ने हर 3 साल बाद अपना सदका देना होता है। ऑन अ सीरियस नोट अहमद भाई, मैंने आपको देख के होस्टिंग स्टार्ट की, कोई तो अच्छा करता। थैंक यू सो मच, बट यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। इसके साथ ही नाजरीन अगले चलते हैं अगली सेगमेंट की तरफ। हैं एक साल अगर अहमद अली भट्ट भाई और होस्ट कर लेते ना तो इसका नाम होता बट स्टाइल अवार्ड, बट टैगलाइन का मसला था जरा सा बट अच्छा नहीं लगता। और कौन कौन स्टफ बैठा है यहाँ पे? सरमत कूसट बैठे हैं। सरमत कूसट वो वाहिद प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में जितनी फिल्में रिलीज नहीं हुई जितनी उनकी बैन हो चुकी हैं। इन ऑल ट्रू सेंस पाकिस्तान के वाहिद बैनुल अक्वामी आर्टिस्ट हैं। बैठे हैं बैठे हैं सरमत भाई, इन मूछों ने कितना खूबसूरत आदमी रखा हुआ है। आई वांटेड टू करेक्ट, इट इज नॉट बैनुल अक्वामी, इट इज बैनुल पाकिस्तानी। वाह वाह वाह, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। दुर्रे फिशां से बात करने जा रहा है एक आतिश फिशां। सही था ना अहमद भाई, ये वाला आपने नहीं लिखा इसीलिए फनी है। अच्छा मैंने देखो विकीपीडिया देखा दुर्रे फिशां, मेरा मैंने इंटरेस्ट लिया आपके अंदर, आपका कोई तारीखी किताबों में तो नाम आया हुआ नहीं है इसलिए विकीपीडिया पे देखना पड़ा। उसमें लिखा हुआ था कि आप एक बार 91 में पैदा हुई, फिर आपने देखा कि इतनी अच्छी दुनिया नहीं वापस चली गई, फिर आप 96 में पैदा हुई, तो ये जो किस्तों में आपने पैदाइश की किस्तें कराई हुई हैं इसका क्या राज है? और आप अभी बता दें 91 है या 96, उसके हिसाब से मैं दिमाग बनाऊँ। लक्स के सेंसर बोर्ड ने सिर्फ यही सवाल पास किया था। बहुत पीछे बैठी है सेंसर बोर्ड। जवाब दें भाई, आप कितना चाहते हैं कि कब पैदा हुई थी मैं? 91 सही रहेगा। बस आपके आसपास नहीं पैदा हुई थी, उसके बाद ही हुई थी। हाँ तो आप इतनी प्यारी हैं। शुक्रिया। थैंक यू। खवातीन हजरात, ऐसा है कि अब और सवाल पूछे तो टाइम ऊपर हो जाएगा। आजकल के जो गाने होते हैं ढिकचुक 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 दिल की बातें, यानी कि आ बेबी तुझे जूस पिलाऊं, आ तुझे दुनिया दिखलाऊं, तू मुझे रिप्लाई नहीं करती, तेरा बैलेंस डलवाऊं, ये कोई गाना हुआ यार? गाने होते हैं ओएसटी के, उनके अंदर आपका अच्छा मूड हो, बेगम बच्चे मायके गए हुए हो, आप ओएसटी सुन लें, दिल जाने लगता है कोई गम आ जाए लाइफ में, बेगम को वापस बुला लेते हैं, बेगम वापस आ जाओ, गाने में फील नहीं आ रही। तो लेट्स इनवाइट आवर प्रेजेंटर्स, प्लीज वेलकम यशमा गिल एंड रक्से बिस्मिल्स डायरेक्टर वजाहत रऊफ, कि वो ऊपर आए और अवार्ड दें बेस्ट ओएसटी का। सलामकुम, मैं एक दफ़ा पहले भी आ गया था गलती से। वजाहत भाई कैसे हैं आप? वजाहत भाई ये ना टोपी है ना चश्मा है ना गोटी है, कौन हैं आप? आदमी वो मेरा भाई है, वो आप गलत समझ रहे हैं, वो मेरे से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप सक्सेसफुल सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे। हाँ मैं नहीं बोल सकता, वो आजकल सब कुछ बैन हो रहा है। वी आर हियर टू प्रेजेंट द बेस्ट ओएसटी व्यूअर्स चॉइस। बेस्ट ओरिजिनल साउंडट्रैक व्यूअर्स चॉइस। चुपके चुपके कंपोज्ड बाय नवीद नशाद। फितूर कंपोज्ड बाय शानी अरशद। हम कहां के सच्चे थे कंपोज्ड बाय आजान समी खान। खुदा और मोहब्बत कंपोज्ड बाय नवीद नशाद। परिजात कंपोज्ड बाय वकार। So the award goes to Khuda aur Mohabbat composed by Naveed sung by Rahat Fateh Ali Khan. Yakeen nahi ho raha, actually ye mera pehla award hai, kuch samajh bhi nahi aa raha kya kehna chahiye actually, but ye ke thanks Lux, bahut bahut shukriya. Many congratulations Naveed bhai. Ek do line to suna ke jaye please. तावीज बना के मैं पहनू तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ से, मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझका जब से,
इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वजाद भाई, थैंक यू यशमा। प्रवतीन हजरत नेक्स्ट प्रेजेंटर्स को बुलाएंगे जो अवार्ड देंगे सिंगर ऑफ द ईयर का। मैं बुलाना चाहूंगा सनम मारवी को जो पाकिस्तान की फोक और सूफी सिंगर हैं, बलोची सिंधी पंजाबी में गाना गा लेती हैं। उनके साथ बुलाना चाहूंगा यूसुफ सलाउद्दीन को जो हमारे कल्चरल क्यूरेटर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सनम मारवी एंड यूसुफ सलाउद्दीन। अच्छा जी, हमें यहाँ बुलाया गया है कि ये दो अवार्ड्स हैं, सामईन की पसंद यानी कि व्यूअर्स चॉइस। तो जो पहला जो अवार्ड है वो बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस अवार्ड। सिंगर ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस अली जफर बलगल उला बिकमालिही। अली जफर पहाड़ों की कसम। अली जफर पहली सी मोहब्बत अनप्लग्ड। यंग स्टनर्स अफसाने। यंग स्टनर्स व्हाई नॉट मेरी जान। अली जफर, बहुत मुबारक अली, योर अवार्ड। थैंक यू सो मच मियां साहब, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू लक्स। लक्स को 21 साल होने को आए, अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए शायद। बहुत सी यहाँ पे शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने मेरे सफ़र को देखा है, उसे मेरा साथ दिया है, पज़ीराई की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा एक ऐसे शख्स का जिसके बगैर मैं शायद यहाँ खड़ा ना होता। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड योर सपोर्ट एंड एवरीबॉडी हु सपोर्टेड मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, दूसरा जो अवार्ड है, अगेन ये भी सामीन की पसंद सॉन्ग ऑफ द ईयर का है, और लेट्स नॉमिनीज देखते हैं। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस हारे अब्दुल हन्नान। अफसाने यंग स्टनर्स बलगल उला बिकमालिही। अली जफर लर्शा पिखावर अली जफर एंड गुल पानरा। ना छेड़ मलंगा नू फरहान सईद एंड आयमा बेग। ये जो अवार्ड है इट गोज टू यंग स्टनर्स। I want to dedicate this award to every young artist. Hum khud bhi kafi young hai, but there are people that are, you know, humse bhi chote hain. I would like to dedicate this to all of you guys. Laga rahe ladke, laga rahe, that's it. Sawadiro Rat, waqt aa chuka hai ki ab main bulane ja raha hu Pakistan ke Justin Bieber ko ki wo yahan aaye, mera matlab hai Karachi ke Asim Azhar ko ki wo stage par aaye और अरब शेखों के लिए हबीबी गा के सुनाएं। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आसिम अज़हर। शुड आई कॉल हर या मैसेज कर दूं? नहीं, लेकिन मुझे भी तो गुस्सा है, मैं भी नाराज हूं, बट आई थिंक आई शुड से सॉरी। सॉरी कहने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो जाता है।
तेरी जान जान ले ले दो जहान आन ले ले मेरी जान सुबह शाम नाम ले ले मैं वहां जहां के लिए Ladies and gentlemen, please put your hands together for our superstar host, Fahad Mustafa. Pakistani Fashion Forward ये एक नया award है जो कि Lux ने introduce किया है और आज हम इस award को देने के लिए बुलाएंगे very very talented and very stylish Meera ji and not so stylish the one and only Ahmed Ali Bhatt. बहुत सारी तालियों से Ahmed Ali Bhatt के लिए. वेलकम मीरा जी. मीरा जी आप बहुत प्यारी लग रही हैं. क्या राज है इस हुस्न का? फहद मुस्तफा मेरी खूबसूरती का राज है लक्स. अरे तालियां और चाहिए मीरा जी के लिए. यस एब्सोल्युटली. और अगर आप लक्स का इस्तेमाल करें तो आप हमेशा जवान रहेंगे और खूबसूरत नजर आएंगे. हसीन बातें करेंगे, हसीन मौसम होगा, जिंदगी हसीन, ख्वाब हसीन, सोच हसीन, मंजिल हसीन, लक्स की तरह. सर द नॉमिनीज प्लीज. अगर जी मीरा जी, सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप बहुत जवान लग रही हैं. यू आर हम सब की बाजी. और उसके साथ साथ आप ये भी बताना चाहते हैं कि मीरा जी ने जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया है. एक्टिंग भी अचीव कर ली है, प्रोडक्शन भी अचीव कर ली है, इसके साथ साथ लक्स गर्ल भी बन चुकी हैं. जिंदगी में क्या चीज़ रह गई है जो? और बाय द वे आपने मायरा खान को साइड में करवा के मौला जट में अपने आप को फिट भी करवा लिया है. आप और जिंदगी में क्या अचीव करना चाहती हैं? लक्स स्टाइल में आपकी तरह होस्टिंग करना चाहती हूँ. अल्लाह अकबर, उसके लिए टैलेंट की जरूरत है. और कुछ बताएं? मुझे ताबिश की तरह होस्ट करना है. उसके लिए आपको थोड़ा सा यूं करके बोलना पड़ेगा और हाँ 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 करके बात करनी पड़ेगी. कर लेंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी खूबसूरती के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती. हाँ, एक और नाम, फाहद मुस्तफ़ा की तरह होस्टिंग करना चाहती हूँ. उसके लिए सिफारिश की ज़रूरत है. कर लेंगी? जी मीरा जी, आइए अवार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं. हम लोग सबसे पहला अवार्ड जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो है फैशन फॉरवर्ड ब्रांड ऑफ द ईयर एंड द नॉमिनीज आर फैशन फॉरवर्ड ब्रांड ऑफ द ईयर अली जीशान, फहद हुसैन, जेनरेशन हुसैन रिहार, कामयार रोकनी. लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड द अवार्ड गोज टू हुसैन रिहार. Congratulations, Hussain. Thank you, Lux. Thank you, all the nominees, and thank you, all the jurors. It's amazing. I'm so happy. I can't even express it. और अगला award एक ऐसी शख्सियत के लिए है जिसने अपनी contribution से पाकिस्तान को दुनिया के सामने दिखाया और दुनिया को पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सिखाया. An individual who's thoroughly original और जिनका industry पे एक गहरा निशान रहा है. A custodian of art, fashion and style. This is for my dear friend, ladies and gentlemen. Please welcome Fifi Harun. Fifi Harun has always been ahead of her times. Unke edgy fashion shoots ne Pakistan ki style industry mein dhoom macha di. I would say she's a visionary. She gave us a handbook of rules, but also giving us that invaluable lesson on how to break those rules. She created the famous Style Mafia, who reinvented traditional Lollywood stars like Barbara Sharif and Meera. Cambridge se degree hasil karne ke baad, Fifi ne Extra magazine ki bunyad rakhi. Extra ne progressive feminist themes se muashre ki assumptions ko challenge kiya aur glamorous, confident khawateen ko apne izhar ki jagah di. It would be no fashion, at least how we see it today, had it not been for Fifi Harun.
Fifi Harun's international shows broke new ground. London ke Albert Hall mein aur 60 years of Pakistan at Trafalgar Square were watched by millions. Fifi ne ARC TV channel UK mein launch kiya Pepsi Battle of the Bands par juror bhi rahi. Aur maqbool rock band Junoon ke saath cult favorite track Jogya gaya. Fifi, बहुत बहुत congratulations आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको लक्ष्य दे रहा है. पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसे क्रेडिबल लोग हैं जिनसे आप एज एन एक्टर एज आर्टिस्ट आप बात करना चाहते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं. उम्मीद है कि यू विल कैरी ऑन, कीप एट इट एंड कीप ब्रेकिंग दोज टैबूज एंड सेटिंग ट्रेंड्स दैट द यंगस्टर्स नीड. लेडीज एंड जेंटलमैन, फिफी हारून. Thank you to Lux for this award, and I also want to thank the whole industry. बहुत छोटी सी इंडस्ट्री थी जो अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, और मैं इतनी खुश हूँ कि आज कितने सारे लोग थे, जॉन रैम्बो साहिबा, हमारे पुराने लोग अंजुमन, जिनको अवार्ड मिले हैं जो बहुत सालों से मिलने चाहिए थे, आज उन्हें वो अवार्ड मिले हैं. विदाउट यू ऑल वी आर नथिंग. आई जस्ट वॉन्ट टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू माई मदर हु इज़ नॉट विथ अस टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फिफी, थैंक यू अहमद, थैंक यू मीरा. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर लीडिंग लेडीज ऑफ द इयर्स LSA, मंशा पाशा and Dananir Mobeen. यही तो मैं कह रही थी दानानीर, women spaces होनी तो बहुत चाहिए लेकिन unfortunately ऐसा होता नहीं है. लेकिन मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मुझ जैसी, तुम जैसी हजारों लड़कियाँ अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जिए. Exactly right. I mean, why should boys have all the fun? ये दुनिया हमारी भी तो है. I mean, we should be able to do whatever we want. जैसे कि नाजिया हसन ने कहा है, मौज बनाएंगे साथ ही, चुप चुप आंसू क्यों पिए. लेकिन ये बात है, मुझे नहीं लगता कि हमारे ड्रामा सीरियल राइटर्स ने कभी भी ये लिरिक्स सुना है. सो फॉर ऑल द वुमेन इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, एट होम और इन देयर वर्क प्लेस, सीइंग दिस राइट नाउ, दिस नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज फॉर यू. So, it gives me great pleasure to introduce two incredible female artists, Amar Khan and Kinza Hashmi, who are going to perform our Aana Pyar Kare, which has been choreographed by the Sway Project, has been specially produced by our youngest musical maestro, Abdullah Siddiqui, and has been sung by the uber talented Natasha Nurani. प्यार करी हम और तुम, राज करी आओ आओ ना, प्यार करी हम और तुम, राज करी आओ.
Wasn't that absolutely sensational? Mera dil to abhi tak boom boom kar raha hai. May we please invite Asima Haq, Head of Beauty and Wellbeing and Personal Care for Unilever Pakistan, to take this part of the show forward. Please, Asima Haq, can we have you on stage? As
Assalamualaikum, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to present the Lux Changemakers Award in its second year. The Lux Changemakers Award has been conceived for the wonderful women of Pakistan. ये अपनी नौयत का पहला अवार्ड है जो उन पाकिस्तानी खवातीन को सराहता है जिन्होंने अपनी प्रोग्रेसिव सोच, अपने फन और अपने कंटेंट के जरिए कई पाकिस्तानी लड़कियों को इंस्पायर किया. इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल दीज आउटस्टैंडिंग वेमेन हुज आर्टिस्टिक स्पार्क एंड क्रिएटिव पर्ल टुक अस टू अ वर्ल्ड नेवर ट्रैवल बिफोर. लक्स, पॉपुलरली नोन एज द सोप ऑफ द स्टार्स, हैज बीन सिनोनिमस विद अनअपोलोजेटिक ब्यूटी. और यही वजह है कि पिछले 20 सालों से LSA ने ना सिर्फ इन खवातीन के हुस्न को बल्कि इनकी ताकत को अपनी कहानी का हिस्सा बनाया है. और आज जब हम अपनी तीसरी डेकेड में जाने रहे हैं तो इट गिव्स अस कंप्लीट जॉय टू ऑनर एंड सेलिब्रेट द फर्स्ट पाकिस्तानी पॉप आइकॉन नाज़िया हसन. नाज़िया के गाने ऐसे थे जिन्होंने कई लड़कियों को इस मुल्क में इंस्पायर किया. कहते हैं ना, ईस्ट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेस्ट, मगर नाज़िया की मौसीकी में द ट्वेन डिड मीट. नाज़िया और जुहैब के महारत से लिखे हुए गाने और उनके देसी पॉप सॉन्ग्स पाकिस्तान के अलावा 14 मुल्कों में सेलिब्रेट किए गए जिसमें UK, ब्राज़ील और जापान भी शामिल है. नाज़िया फ्रेश बीट्स, रिलेटेबल लिरिक्स, इमेजिनेटिव म्यूजिक एंड हर बॉडी ऑफ वर्क वॉज नॉट ओनली ग्राउंड ब्रेकिंग इन द 1980s, इट स्टिल इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ साउथ एशियन वेमेन. चाहे वो जेब बंगश का दोस्ती एंथम हो या मीशा शफी का इलेक्ट्रिक बूम बूम, द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस ट्रिब्यूटरी कवर्स इज अ टेस्टमेंट टू नाज़िया टाइमलेस कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान साउंड ट्रैक. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट अप फॉर द रियल आइकॉन, द एवर ब्यूटिफुल नाज़िया हसन. अस्सलाम वालेकुम, मैं जुहैब हसन हूँ और मैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स को थैंक करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी सिस्टर नाज़िया हसन को इतना ख़ास अवार्ड दिया है. शी वॉज़ अ फिनोमिनल आर्टिस्ट एंड एन अ फिनोमिनल ह्यूमन बीइंग. तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन कि आप अच्छे भी हों और आप काम भी अच्छा करें. मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आके जितने हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ मैं बैठ के साथ साथ इतने बड़े इवेंट में शामिल हूँ और उसके अंदर पार्टिसिपेट करूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी कुछ कमिटमेंट्स थी. आई वॉज थ्रिल्ड टू हियर द ट्रिब्यूट सॉन्ग्स जो नाज़िया के लिए किए हैं आपने, एंड आई थिंक इफ नाज़िया वॉज हियरिंग दिस शी वुड बी ऑल्सो थ्रिल्ड. विद दैट, इन्जॉय द इवनिंग एंड एंड यू नो, टेक केयर. And with that, may we please ask Sultana Siddiqui, President and Founder of the Hum TV Network Limited, ke wo aaye aur Asima Haq ke saath ye award present kare. Assalamu alaikum. Pehle to ye bata dun ke is tarah ka award jo hai na, shuru karna aur 21 अवार्ड करना ये कोई आसान चीज़ नहीं है और इसको कंटिन्यू रखना. मैं वाकई आपकी लक्स की पूरी टीम को और आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ. मुझे यहाँ बुलाया गया था नाज़िया के लिए बोलने के लिए. नाज़िया, मैं पाकिस्तान में अगर मैं ये कहूँ कि पॉप म्यूज़िक को अगर इंट्रोड्यूस कराया तो नाज़िया ने कराया. थैंक यू. मैं और कुछ नहीं कहूँगी. आखिर में मैं आज कल एक चीज़ कहती हूँ, खामियों को दरगुजर करें और खूबियों को सराहें. बहुत शुक्रिया. एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट द परफॉर्मर्स उर्वा हुसैन, उस्मान खालिद बट एंड अमर खान एंड किंजा हाशमी टू प्लीज़ कम ऑन स्टेज एंड टू रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम आसमा हक एंड सुल्ताना आपा जी. Ladies and gentlemen, please welcome on stage the wonderful Dananeer and the electrifying Fahad Mustafa. Dananeer, देखो तुम एक्टिंग में अभी नहीं आए हो, अभी अभी तुमने कदम रखा है. ये बताओ, एक कामयाब एक्टर बनने में क्या दरकार, दरकार का मतलब समझती हो, क्या चाहिए? कि वो ऐसी परफॉर्मेंस दे जो लोगों का दिल जीत ले, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग
जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो। और यही चीज की है आज के इन एक्टर्स ने, जिन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि मेरे जैसे क्रिटिक को भी बहुत ज्यादा खुश कर दिया है इन लोगों ने। सो लेट्स कॉल आवर नेक्स्ट प्रेजेंटर्स फॉर टीवी एक्टर ऑफ द ईयर, मेल क्रिटिक्स चॉइस आर्टिस्ट इन देयर ओन वे, दीज पीपल हैपन टू बी हस्बैंड एंड वाइफ एज वेल। सो प्लीज वेलकम सबूर अली एंड अली अंसारी। You guys look gorgeous. Thank you, thank you. How are you guys? We're great. Lovely, Ali. Lovely. Assalamu alaikum, everybody. Such a pleasure to be here. That's right, and we're here to announce the Best TV Actor Male Critics' Choice. Best TV Actor Critics' Choice. Ahmed Ali Akbar, Parizad, Bilal Abbas, Dunk, Imran Ashraf, रक्से बिस्मिल, नुमान इजाज, रकीब से, सरमत खुसट, परदेश। माय फेवरेट अहमद अली अकबर। ओह माय गॉड, अहमद अली माय फ्रेंड, I'm humbled and honored, and thank you, Lux. मुझे लोग हमेशा कहते रहे हैं कि परिजात के बाद कि आपने एक बड़ा अनकन्वेंशनल सा कैरेक्टर किया है। एक्चुअली परिजात तो सबसे कॉमन आदमी है पाकिस्तान में। ये वो शख्स है जो आपकी नज़रों के सामने से गुजर जाता है लेकिन आप कभी देखते नहीं हैं, क्योंकि शायद वो चुप है या फिर वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है। So this award goes to all the Parizads out there, and to the entire team, my parents, and I'm so glad that my mother is here. Oh, आपकी दुआओं की वजह से है और मेरे वालिद साहब की सपोर्ट की वजह से है। Thank you very much. Thank you, Dharani. So, Fahad bhai, आपने 100 से ज़्यादा drama produce किए, right? Really? Right. तो आप ड्रामे लिखते क्यों नहीं है? देखो, प्रोड्यूसर बनने में भी आप इन्वॉल्व तो रहते हैं राइटिंग में, बट आपको एक्चुअली राइटर्स की जरूरत होती है। हमारे अगले दो जो प्रेजेंटर्स हैं, वो एक्टर्स भी हैं और उन्होंने अपनी फिल्मों की कहानियां भी खुद लिखी हैं। Oh my God, so present the award for best playwright to versatile actors, हमारे इशरत बाजी, मोहित मिर्जा और दम मस्तम की राइटर एंड एक्टर ब्यूटीफुल अमर खान। Can you look at the nominees? Please. The best TV play writer. Best TV play writer. Critics' Choice. Amna Mufti. Dil Na Umeed To Nahi. Saima Akram Chaudhary. Ishq Jalebi. Sarwat Nazir. Pardes. Hashim Nadeem, Parizad, B. Gul, Raqib Seh. Hashim Nadeem for Parizad. बहुत सारी तालियां शहजाद के लिए। What a wonderful job Shahzad has done. Thank you so much. हम अपनी अगली कैटेगरी से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक्सीलेंस इन स्टोरी टेलिंग। सो मे वी प्लीज इनवाइट द एक्टिंग सीईओ ऑफ कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स मुर्तजा करीमी साहब, जिनका ब्रांड टक आज हमारा रेड कार्पेट पार्टनर भी है, और इसके साथ बेस्ट टीवी सीरियल व्यूअर्स चॉइस के लिए हम उनको यहां बुलाना चाहेंगे। प्लीज बहुत सारी तालियां। सो वेलकम। आज की जो कैटेगरी मेरे पास है वो है बेस्ट टीवी प्ले व्यूअर्स चॉइस, एंड द नॉमिनीज आर बेस्ट टीवी प्ले व्यूअर्स चॉइस। चुपके चुपके, फितूर,
इश्क है, खुदा और मोहब्बत, परिजाद, बेस्ट टीवी प्ले, व्यूअर्स चॉइस, परिजाद। Congratulations, Shahzad. Shahzad, बहुत मुबारक। Very well deserved. Very well done. Congratulations. मैं ये अवार्ड परिजाद टीम की तरफ से रिसीव करने आया हूँ। शुक्रिया, Lux. Ladies and gentlemen, please welcome Tabish Hashmi and Mansha Pasha. मंशा कहे बगैर नहीं रह पाऊंगा कि एक साल पहले वो दिन था जब आप मेरे सामने बैठी मुझे इंटरव्यू दे रही थी, आज आप मेरे साथ खड़ी होस्टिंग कर रही हैं। कब तक मैं आपके करियर में आपको इस तरह सपोर्ट करता रहूंगा? ताबिश, मुझे कुछ ऐसे याद आ रहा है कि एक साल पहले आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, और अब क्या नसीब है आपका कि एक साल बाद आप स्टेज पे मेरे साथ होस्ट कर रहे हैं। वापस स्क्रिप्ट पे आऊंगा मैं। A long play is like a cricket test match. If it's not done well, it can feel like forever. मगर अगर प्ले के अंदर एक आध गुगली डाल दी जाए, ट्विस्ट ले आया जाए, तो टेस्ट मैच भी सनसनीखेज हो जाता है। So let's call our next presenter to award the best TV serial long play. कैसी तेरी खुदगर्जी की दुरेफिशां, और बिखरे हैं हम के उमर शहजाद। Assalamu alaikum and good evening. So we are here to present the award for the best TV serial long, and can we have the nominations? Best TV Long Serial, Viewer's Choice, Benaam, Ishq Jalebi, Mohlat, Nand, Rang Mahal. The award goes to Rang Mahal. Thank you so much for making this a hit, and thank you so much for this award. This is a team effort, and we all love you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. भाई, अब जो हम awards देने जा रहे हैं, उसमें social media के numbers कम और acting ज़्यादा देखी जा रही है। मंशा, मेरा कोई chance नहीं इस category में। हाँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अगर क्रिटिक्स को खुश कर दें तो फिर बाकी की आवाम को खुश करना कौन सा इतना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, लेट्स इनवाइट द नॉट सो भोला इमरान अशरफ, और उनके साथ हैं शहजादी डायना, आई मीन दानिया, उर्वा हुसैन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ बुलाया गया है बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल क्रिटिक्स चॉइस, तनकीद करने वालों की पसंद। Best TV Actress, Critics' Choice, Hadika Kiani, Rakib Se, Ikra Aziz, Rakib Se, Kubra Khan, Hum Kahan Ke Sache The, Mahira Khan, Hum Kahan Ke Sache The, Yumna Zaidi, दिल ना उम्मीद तो नहीं। हदीका के यानी और रकीब से, अस्सलाम वालेकुम जी। हदीका के बिहाफ पे, हदीका का ये पहला प्ले था, और मैंने इतनी कमिटमेंट नहीं देखी जिस तरह की हदीका के यहाँ थी। सो वेरी वेल डिजर्व। लेट्स हैव अ लुक एट द नॉमिनीज फॉर बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल व्यूअर्स चॉइस। बेस्ट टीवी एक्ट्रेस व्यूअर्स चॉइस, आयजा खान, चुपके चुपके, दुर्रे फिशां, परदेस,
माहिरा खान, हम कहां के सच्चे थे, मिनाल खान, इश्क है, युमना जैदी, दिल ना उम्मीद तो नहीं। The award for the best TV actor female viewer's choice goes to Aiza Khan for Chupke Chupke. Aiza was a force of nature in Chupke Chupke. She was magnificent. She far exceeded everybody's expectations and just proved that she is one of the best actresses of her generation. Aiza, love you. Ladies and gentlemen, Fahad Mustafa and Tabish Hashmi. Hello, Tabish. Abhi aap sure hai na ki ye hamari hi entry hai? I don't know. Hum aa gaye. Main to khud dekhna cha raha hu ki kya ho raha hai. Hello, ladies and gentlemen. Ek baar phir bahut bahut khush aamdeed kehte hain aapko. तो जनाब इस साल हम बात करें बेस्ट टीवी डायरेक्टर की कैटेगरी की, बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली साकिब मलिक और उनके साथ हैं ब्यूटीफुल हुमैमा मलिक। हेलो साकिब। हेलो मैमा। हेलो मैमा। हेलो हेलो। द टू मलिक्स। द टू मलिक्स आर हियर। यस आई जस्ट रियलाइज्ड दिस। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वी आर हियर टू अनाउंस द बेस्ट टीवी डायरेक्टर फॉर क्रिटिक्स चॉइस। Best TV Director, Critics' Choice. Farooq Rind, Hum Kahan Ke Sachche The. Kashif Nisar, Dil Na Umeed To Nahi. Shehzad Kashmiri, Parizad. Kashif Nisar, Rakib Se. वजाहत राउफ, रक्से बिस्मिल। काशिफ निसार, रकीब सेन। काशिफ निसार, बहुत बहुत मुबारक हो काशिफ भाई आपको। भाई कंग्रेचुलेशंस, आपसे हमेशा मिलना चाह रहा था। आई एम सो ग्लैड। कंग्रेचुलेशंस सर। Thank you, and thank you, Lex. Thank you very much. आज हमने एक नई कैटेगरी जो है वो लक्स में इंट्रोड्यूस की है। वो कैटेगरी है जनाब क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एंसेंबल प्ले। सो लेट्स सी के उसके क्या नॉमिनीज हैं। बेस्ट एंसेंबल सीरियल क्रिटिक्स चॉइस। चुपके चुपके। दिल ना उम्मीद तो नहीं। परिजात। रकीब से। समिया मुमताज, युमना जैदी, वहाज अली, यासर रिजवी, नवीद शहजाद। दिल ना उम्मीद तो नहीं। Assalamu alaikum. On behalf of Kashif Foundation, writer, actor, directors, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया आपका। फहद भाई, मुझे अच्छी एक्टिंग करने का फॉर्मूला पता चल चुका है। क्या चीज? अच्छी एक्टिंग। तुम्हें एक्टिंग का क्या पता? तुम मोस्ट आद भाई फॉर्मूला चोरी कर लिया ना मैंने। चोरी कर लिया कहाँ मिल रहा है ये फॉर्मूला? हैं साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया कोई आधा किलो फहद मुस्तफा लो। आधा किलो? हाँ, उसमें बारीक कुटा हुआ आप आहत रजा मीर मिलाएं, बारीक सा। हाँ, और उसमें फिर एहसन खान की देखची में थोड़ा हेयर एंड देयर हिलाएं। अच्छा, ओके। फिर उसे इमरान अशरफ के मसाले में थोड़ा पकाएं। वेरी नाइस। ऊपर से गार्निशिंग के लिए अहमद अली अकबर डाल दें, बढ़िया एक्टर। अच्छा, टोटल। लेकिन अगर ये आधा किलो मेरा है इस इंडस्ट्री में, हाँ, तो बाकी तो सारे फिर मतलब छटांग बराबर ही चल रहे हैं ना। ऐसे ही है तो, लेकिन हाँ, ऐसा अगर है तो फिर मुझे लगता है कि हमें इस अवार्ड को कहना चाहिए फहद मुस्तफा अवार्ड। ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, ज्यादा कम करें? अच्छा, कम हल्का। बेस्ट टीवी एक्टर दिस ईयर गाइस, व्यूअर्स चॉइस, लेट्स हैव अ लुक
at the nominees, please. Best TV Actor, Viewer's Choice. Ahmed Ali Akbar, Parizad. Bilal Abbas, Dunk. Danish Taimur, Ishq Hai. Feroz Khan, Khuda Aur Mohabbat. Imran Ashraf, Raqse Bismil. Janab, please, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए फिरोज खान को खुदा और मोहब्बत. उमैमा, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू अल्लाह ताला एंड थैंक यू फिरोज़ फैन. लेडीज जेंटलमैन, आज की शाम हमने कई सितारों की बात की और सेलिब्रेट भी किया है. अब वक्त आया है उन लोगों को याद करने का जो अब हम में नहीं रहे. तमगा इम्तियाज पाने वाले पप्पू साई, जिनका गूंजता हुआ ढोल लाहौर की गलियों की रौनक था. आखिरी चट्टान के कप्तान ख्वारज़म शाह और पना के मारूफ एक्टर अनिल चौधरी, काजल घर जैसे ड्रामे और मुराद फिल्म के मरकजी किरदार सुहेल असगर. इंडस्ट्री में फनो खिताबत और टीवी, थिएटर, रेडियो में यूनिवर्सिटी का दर्जा रखने वाले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान मसूद अख्तर साहब. इंसानियत का दर्स देती हुई अनगिनत यतीम बच्चों की वालदा बिल्कीस एदी. पाकिस्तान को एटमी कुवत का दर्जा देने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान. बुलबुले मौसीकी, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को आवाज़ देने वाली वतन की मिट्टी गवाह रहना की मारूफ फनकारा नैयरा नूर. पाकिस्तान के मशहूर टीवी होस्ट और कॉलम निगार आमिर लियाकत. एक्टिंग की दुनिया को 35 साल देने वाले हम तुम, समझौता और इंतहा जैसे कामयाब ड्रामों के अदाकार तनवीर जमाल. पश्तो, हिंदको और उर्दू ड्रामे जैसे इनकार, गुलाम गर्दिश, दूसरा आसमान के मशहूर फनकार रशीद नाज. ये वो तमाम लोग हैं जिनकी यादें न सिर्फ हमारे लिए आज भी जिंदा हैं, बल्कि इनकी खिदमात ने हमारी कौम को अपने कल से इसके आज का इस्तेदाद बख्शा है. And as we speak, आज कुछ लम्हों पहले इस्माइल तारा साहब ऑल्सो पास्ड अवे. हमें उनको भी याद करना चाहिए. बाय द टाइम ये शो ऑन एयर जाएगा, सच अ लेजेंड एंड ऑल दीज पीपल, दे वर सच ह्यूज लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान, सच अ ह्यूज लॉस. आगे बढ़ते हैं. ताबिश फाद भाई, आप मेरे साथ हाथों में हाथ डालिए और यहाँ मैदान में. तुम बहुत फिजिकल हो रहे हो. मैं बहुत फिजिकल होना चाहता हूँ, एक सेकंड रुकें. वैसे ताबिश, आज कैसा लग रहा है तुम्हें सितारों के बीच में, क्या महसूस कर? मैं असल में अपने आप को इतना सूरज कंसिडर करता हूँ, मुझे सितारे नजर ही नहीं आते. यार तुम कनाडा में पढ़े बड़े नहीं थे? तुम पढ़ा हुआ था वहाँ पे मैं, मतलब सूरज इटसेल्फ एक सितारा होता है. मतलब कहाँ फंस गई यार, फिर ये लोग कहते हैं एक्टिंग सीखने में. और पिछले 75 सालों से इन सितारों को मेरे मुल्क ने ना सिर्फ छत दी है, घर दिया है, बल्कि इनको शनाख्त भी दी है. एब्सोल्युटली भाई, एलिस से और लक्स ने इस पाकिस्तानी नुमाइंदगी को हमेशा जरूरी समझा है. शो की शुरुआत में आज आप लोगों ने देखा होगा, सोने दिया कंगना से हमने पंजाब को पुकारा, लेकिन अब हम इस खूबसूरत मुल्क के हर खित्ते को पुकारेंगे. सो फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस टुनाइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम जिन्हें यहां बुलाने जा रहे हैं, प्लीज वेलकम गुल पनरा, इसके अलावा आबिद ब्रोही, उरूज फातिमा और पख्तून कोर की तरफ से जॉइनिंग देम टू परफॉर्म द मेडले ऑफ हिज सुपर रेंडिशंस ऑफ आवर रीजनल म्यूजिक. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली Ali Zafar! Ali Zafar!
rockstar. Musa got all rich, but more rockstar. Abid Buro, I'm Habudu. Sindh Sono Latif Sindh Man. Mujhe Lal Latifa Sindh Man. Mujhe Sona Sharifa Sindh Man. Mujhe Shah Bidayun Sindh Man. Ha, Najak Dopi Shana. Ya Sindh Ji Ya Pechana. Mujhe Music Banaye Hoon Basha. Mato Rat Banaye Hoon Basha. Nacha Nacha Dil Dar. Kateri Sama Panj Maya. Nesi Vesi Na Tu Baat Ka. Mujhe Sena Ko Hi Mulaqat Kar. Tuwa Thaga, Tuwa Thaga, Tuwa Thaga, Thaga, Thaga. Ladies and gentlemen, please welcome back on stage your charismatic hosts, Mansha Pasha and Fahad Mustafa. हाँ, खूबसूरत लगना और खूबसूरती को संवारना, you need both to make fashion happen. Let's ask our next presenters, the legendary Freya Altaf and the edgy Ali Zeeshan, to join us on stage to honor our stylish models and our fashionable stylists. Ali Zeeshan and Freya Altaf, ladies and gentlemen. Hello, lovely people. Hello, hello. Freya, you look pretty. Thank you. So guys, the nominees, please. Yes, the nominees. Fashion Model of the Year. Male, female. Fehmeen Ansari. Maha Tahirani. Mush Kaleem. Nimra Jacob. Sachal Afzal. Nimra Jacob. Congratulations. I want to thank my mom, and I get a little teary-eyed. So thank you so much. This is for all of you. This is the nomination for the Stylist of the Year, Critics' Choice. Fashion Stylist of the Year. Alisha Adnan.
Maheen Shayane, Mavi Kayani, Yasir Dar, Zahra Sarfaraz. Who do you think it is? Mommy! Yasir! I love what you're wearing. It's fabulous. Thank you so much, Lux. Thank you so much. Bye. Hair and makeup artists hi chehron mein rang aur character bharte hain. Bilkul, aur in chaand jaise logon ko बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्टाइलिश होने के लिए इन लोगों की. सो लेट्स इनवाइट दीज फैबुलस डिजाइनर्स नोमी अंसारी एंड जरार की फैशनेबल लीडिंग लेडी द वन एंड ओनली किरण मालिक टू प्रेजेंट द हेयर एंड मेकअप अवार्ड. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. एंड वी आर हियर टू प्रेजेंट द अवार्ड फॉर द बेस्ट फैशन हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर. Fashion, Hair and Makeup Artist of the Year. Arshad Khan. Leonard DiScorpio. Shenal. Sunil Nawab. Syed Hussain. And the winner is Sunil Nawab. Congratulations, Sunil. Congratulations. Good evening, everyone. Thank you, Lux. Thank you, Mom and Dad. And we have one more award, Nomi. Yes, so let's have a look at the nominees. Style Icon of the Year. Fauzia Aman, Hasnain Lehri, this person is very important, very hardworking, very professional, and she's come a long way. And a very, very dear friend. So that's Fauzia Aman. बहुत कम लाइफ होती है मॉडल्स की और दिस इज द आंसर. नाउ इट्स टाइम टू अवार्ड द फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स ऑफ द ईयर हु फ्रेम फैशन सो ब्यूटीफुली विद देयर कैमरा. इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम दावा दे रहे हैं फॉर्मर लाइफ टाइम अचीवमेंट विनर फोटोग्राफर टप्पू जवेरी एंड फहीम हामिद साहब द हेड ऑफ कमर्शियल फ्लाइट जिना आवर एयरलाइन स्पॉन्सर फॉर LSA 2022 टू कम ऑन स्टेज प्लीज. Assalamu alaikum, fashion photographer and videographer of the year, Critics' Choice, and the nominees. Fashion photographer, videographer of the year. Alina Naqvi, Ashna Khan, Hasnain Mehmood, MHM, Farhan Sherwani, Top Style, Omer Bin Nisar. The award for the best photographer, videographer of the year, and it goes to the wonderful Ashna Khan. Moneep, could you please do the honors, please? Ashna loves you all and Fahad, I owe you, man. This is the only way I was gonna get one. So this picture will go on my WhatsApp for a very long period of time. But Ashna, you're awesome, man. Thank you so much, Thank you, Kapu. Janab. Thank you so Thank much, you. Sir. Thank you. Please have a round of applause for all the fashion nominees and winners, please. Absolutely, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री की दुनिया तक आप लोगों तक पहुंचाते हैं. इन सब के लिए जितनी ज्यादा तालियां बजे उतनी कम है. Big round of applause, please, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you very much. Milte hain agle saal. Until then,
Have a great year.